तो फाइनली जी हमें अपनी मंजिल जो है वो करीब नजर आ रही है जी। सोच रहा हूँ कि आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। Hey, I'll come look at this. तो ना सर पहुंच जाए और सर आउट हो जाएंगे। सर आपकी अच्छी रनिंग हुई है सर, कितनी कहने के लिए आपने बात बात की सर के हिस्से में टोटल दो बालें आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो जी, भूरगन में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हैं, जिसकी वजह से ठंड ने जो है वो अपना डेरा जमा लिया है और जैकेट्स वगैरह स्वेटर्स वगैरह हमने जो है वो अब रेगुलर इस्तेमाल करना यहाँ पर शुरू कर दिया है भूरगन में। सो जी, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मा वगैरह पढ़ने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद आज हम जो है वो काफ़ी दूर जा रहे हैं और एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर तकरीबन हमें जाने में जो है वो 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। वो सामने आप एक रोड देख सकते हैं, यहाँ से देखने में तो ये काफ़ी दूर है लेकिन जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ से यकीनन ये बहुत करीब लगेगी हमें। और जितना भी हमारा सफ़र है वो तकरीबन हमने पैदल वहाँ तक तय करना है। जहाँ पर हम जा रहे हैं वो भूरगन पहाड़ की सबसे निचली सतह है और वहाँ से अयूबिया के पहाड़ और भूरगन के पहाड़ों के दरमियान से एक नाला गुजरता है जिसे हम अपनी ज़बान में कनेर कहते हैं और आज वहीं पर जा रहे हैं। साथ मेरे दोस्त सदाकत साहब मौजूद हैं और उनके भाई और हमारे यूट्यूबर दोस्त इजाज़ साहब मौजूद हैं, तो इनको भी आज साथ लेके चलते हैं। बहरहाल जी, अपने सफ़र का आगाज़ तो हमने कर दिया और हमारा ये जो सफ़र है इसमें तकरीबन जाते हुए हमें 1.5 घंटा आराम से लगेगा। जाते हुए तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई इशू होगा, लेकिन जब वहाँ से दोबारा हाइक हमारी स्टार्ट होगी तो फिर थोड़े से मसाइल हमारे लिए क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब इरादा किया तो इंशाल्लाह अपना सफ़र जो है वो पूरा करके रहेंगे। अच्छा, ये जी हमारे इलाके की एक सौगात है अमलूक, और ये अमलूक अभी कच्चे हैं, पके नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ा दरख्त है ये अमलूक का और इस तरह से काफ़ी सारे दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं अमलूक के। इस वक्त जी हम भूरगन में एक गाँव है तो लोट वहाँ से गुजर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 20 का एक दरख्त है और काफ़ी बड़ा दरख्त है ये। तो लोट में जो है ये गैस का काम लगा हुआ है जिसकी वजह से रोड की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। इस नन्हे मुन्ने की मामा तो आगे चली गई है लेकिन काका जो है वो ये जा रहे हैं। चलो जाओ जाओ जाओ, माशाल्लाह। बहरहाल जी, जो रोड मैंने आपको भूरगन से दिखाई थी वो तकरीबन अब हमें काफ़ी करीब नज़र आने शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी तकरीबन हमारा घंटे का सफ़र बाकी है क्योंकि हमने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। और ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये अयूबिया की पहाड़ियाँ हैं। बहरहाल जी, हमें अपनी मंजिल की एक झलक तो नज़र आई लेकिन अभी भी वो मंजिल जो है वो हमसे तकरीबन 1 घंटा दूर है, इसलिए हमने ये तय किया कि इंशाल्लाह हमने रुकना नहीं है और दम लेना है जो वो जाके अपनी मंजिल पर ही लेना है। तो इसलिए अपने सफ़र को जारी और सारी रखे हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। टिंडोई हम पहुंचने वाले हैं, एक गांव है भूरगन में जिसका नाम टिंडोई है, वहां पहुंचने वाले हैं। थक गए? नहीं अभी तो नहीं। आप चलते हैं फिर। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि मशीन लगी हुई है और ये आई थिंक काम हो रहा है गैस का ही, गैस की पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा रही है। और इन सड़कों पे इसी तरह की जो गाड़ियां हैं वो बेहतर हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ठठरकस, अपनी ज़बान में हम इसे ठठरानाकस कहते हैं। जब हम छोटे होते थे तो सुनते होते थे कि जो ठठरकस है यहाँ पर मछलियाँ होती हैं, लेकिन कभी हमने देखी नहीं है मछलियाँ, लेकिन हमेशा सुनते थे कि भाई यहाँ पर जो है ना ये मछलियाँ पाई जाती हैं। ब्रेक लेने का हमारा इरादा तो नहीं था लेकिन इस लोकेशन पर, यह लोकेशन इतनी खूबसूरत है कि हम यहाँ पर जो है ना वो रुकने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, देखते हैं जी हमें खिलाते हैं साथ कि नहीं। क्या हाल चाल हैं जी आपके, क्या खेल रहे हैं आप लोग? अखरोट खेल रहे हैं? कौन है सबसे माहिर, कौन है यहाँ पे आप हो? इनके हाथ में जो है ये एक कंगन है, जब हम छोटे होते थे तो हम भी जो है ये कंगन चलाया करते थे। अभी ज़रा ट्राई करते हैं कि हम ये चला सकते हैं या नहीं।
ये बंदा जीत गया अखरोट, बताओ मुझे ये यहाँ पे अखरोट अखरोट की लगी हुई है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको बहुत। वो जो आप घर देख रहे हैं, इस घर से भी पीछे से तकरीबन हमने जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया था। तो जी अभी जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, ये भी भूरबन का एक गांव है और इसे बोलते हैं टिंडोई, और तकरीबन हमने अपना आधा सफ़र यहाँ तक तय कर लिया है, और अभी इतना ही हमें टाइम जो है वो नीचे पानी के नाले तक जाने में लगेगा। और ये पानी का नाला, इसको तकरीबन हर गाँव में जो है वो डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। मैं गया था जब पैर अपने कज़न्स के साथ, तो वहाँ पर वो इस नाले को कहते थे करंग, और हम जो है वो इस नाले को कहते हैं किनेर। आप लोग कश्मीर में अपनी ज़बान में इस नाले को क्या कहते हैं? किसको? ये जो दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा होता है। किनेरकास कहते हैं आप? किनेरकास। सही सही। बहरहाल जी, टिंडोई और ओछा में जितने भी मेरे जानने वाले हैं और मेरे दोस्त हैं और जितने भी लोग हैं, उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी आपके अमलूक थे सड़क के साथ, वो अमलूक इन दो बंदों ने नहीं छोड़े जी। देख वो देख लें, ये अपनी वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन अमलूक इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा। इवन के कच्चे अमलूक वो भी नहीं माफ़ किए इन दोनों ने। तो फाइनली जी, हमें अपनी मंजिल जो है वो करीब नज़र आ रही है। यहाँ पर जी, इस पॉइंट पर पक्की रोड ने हमारा साथ छोड़ दिया, और अब यहाँ से जो है ये कच्ची रोड स्टार्ट हो गई है। और जिस गाँव में हम मौजूद हैं, गाँव को जो है वो शेर बोलते हैं, और ये यहाँ का आखिरी गांव है, और काफ़ी दूर गांव है ये। तकरीबन हमें 1.5 घंटा हमने लगाया हुआ था नीचे उस पानी के नाले तक पहुँचने के लिए, लेकिन आई थिंक 1.5 घंटा हमें यहाँ तक हो चुका है शेर तक, और यहाँ से भी तकरीबन हमें शायद 15-20 मिनट आगे लग जाएं। यहाँ से उतरते हुए हालत टाइट हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारी हाइक स्टार्ट होगी तो दुआ तो यही है कि अल्लाह करे हमें को गाड़ी मिल जाए। अगर गाड़ी नहीं मिलती तो यहाँ से हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। अब जी, कच्ची रोड स्टार्ट है और बहुत मुश्किल है जो है ना यहाँ से हमें कोई गाड़ी मिले। सो इतनी हाइक तो हमें करनी पड़ेगी अगर गाड़ी की उम्मीद रखनी है। ये आप रोड की हालत देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जीप मौजूद है, और इन्हीं रोडों के लिए ये गाड़ी बनी है। गाड़ी में जो है वो लकड़ी लादी जा रही है। ये सर्दियों की आमद आमद है, और अब जो है यहाँ पर अंगीठी और इन लकड़ियों के बगैर गुजारा बिल्कुल जो है ना वो नामुमकिन सा हो जाता है। सर ने जो है वो फिर से अमलूक ढूंढ लिए, और अब मैं शहर वालों से भी कह रहा हूँ कि आपके भी अमलूक नहीं छोड़े इन्होंने। जितने जो अमलूक हैं रोड के साथ, ये इन दो भाइयों ने नहीं छोड़े। और ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि अमलूक जो हैं ये अभी कच्चे। इस पॉइंट पर जो है वो रोड के आसार भी बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, और पानी की आवाज़ हमें आ रही है। इसका मतलब यही है कि हम काफ़ी करीब हैं अपनी मंजिल के। आज सर इधर से उतरेंगे, ये शॉर्ट शॉर्ट भाई साहब, पानी की आवाज़ तो हमें आ रही है, लेकिन मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उतर तो आए लेकिन वापस जाते हुए हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और मैं उस चीज़ को अभी से फील कर रहा हूँ। फाइनली 2 घंटे की तवील मसाफत के बाद, जिस सफ़र का अंदाज़ा हमने 1.5 घंटा लगाया था, वो तकरीबन 2 घंटे तो हमें यहाँ पर पहुँचने में लग गए। और जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ, हम अपने फाइनल पॉइंट पर पहुँच जाएँ। सो जी, ये आप देख सकते हैं, ये गुज़रने वाला नाला, ये आपके पास अयूबिया की पहाड़ियाँ, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये जो है ये भूरबन की पहाड़ियाँ हैं। कुछ नौजवान जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं वहाँ पर, और उनके पास चलेंगे और इंशाल्लाह उनसे कहेंगे भाई हमें साथ खिलाओ ज़रा,
क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं उनके साथ चल के। यहाँ पर जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है, सो देखकर उतरना पड़ता है। एक गलत कदम भी जो है ना वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। सो जी, अब हमने डिसाइड किया है कि पहले जो है वो हम कुछ खाने पीने का करेंगे, फिर जो है वो नीचे उतरेंगे, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, हमारी टांगें जो हैं वो जवाब दे चुकी हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आते हुए ये हालात थे तो वापस जाते हुए मुझे उठा के लेके जाएँ आप सर, क्योंकि चाय जलसो भी की पक्की कर ली ठीक है। सो जी, वहाँ पर जो क्रिकेट खेल रहे हैं लोग वो हमें काफ़ी देर से इशारे करें कि आए हम क्रिकेट खेलते हैं, सो चलते हैं और अपनी जो है वो क्लास शो करते हैं। चलें सर जी, क्लास आज शो। नीचे तो पहुँचे लेकिन यहाँ पर जो किनेर है ये काफ़ी हद तक सूखी हुई है, क्योंकि अभी बारिशें इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, जिसकी वजह से पानी तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, बारिशों का सीज़न होता है तो ये जितनी भी जगह है ये पानी से जो है ये भर जाती है, और उस वक्त इस नाले को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता और काफ़ी मुश्किल काम होता है। अभी तो आप देख सकते हैं कि सर जो है वो काफ़ी आसानी से इसको पार करें। चलते हैं हम भी आगे और चले क्रिकेट मैच खेलते हैं। सो लेट्स सी हमारा वो एक्सपीरियंस कैसा जाता है, क्योंकि थक तो हम बहुत ज़्यादा गए, क्रिकेट मैच भी खेलेंगे और वापस जाते हुए भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन बहरहाल चलते हैं और देखते हैं इंशाल्लाह। क्रिकेट ग्राउंड में हम पहुँचे। सो जी, पानी के उस पार जहाँ से हम आए थे बोरबन से, वो पंजाब में था, और अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं पानी के इस तरफ, ये केपीके है और केपीके में हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। क्रिकेट मैच हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और हमारी टीम की जो है वो बैटिंग है। बहरहाल जी, दो घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और क्रिकेट खेलने वाले हैं, और बैटिंग पर मैं गया हूँ और दुआ यही हो रही है कि पहली बार पर आउट ना हो जाए, थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई जाए मेरी तरफ से और उसके बाद मेरी बारी आ जाए। सो उम्मीद तो यही है कि मैं आउट नहीं होऊंगा इंशाल्लाह पहली बॉल पे, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी और व्लॉग भी जो है वो यहीं पर रह जाएगा। फिर जो है ना वो आजकल टिकटॉक पे जो चल रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मैच तो बढ़ गया, व्लॉग तो बढ़ गया। शॉट सर जी, शॉट दो 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 सर, अच्छा बाल, अच्छा जी, गुड शॉट। ओवर में हो गया 30 रन। हाँ जी, हाँ जी, और अब सर पे बात है सारी। सर जी अच्छा खेलिएगा। शॉट सर जी, भागो भागो भागो, शाबाश शाबाश, एक और है सर जी। इस ओवर में कोई छक्का तो नहीं लग सका, लेकिन स्ट्राइक हम रोटेट करते रहे और 31 रन हो गया भाई। लास्ट ओवर में कितना था, 23। सो आई होप इस ओवर में अच्छा स्कोर बनेगा। बहरहाल जी, यहाँ पर मेरी इनिंग का तो एंड हुआ, पहला ओवर अच्छा गया था लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोई भी हिट नहीं लग सकी इतनी अच्छी। सो बहरहाल टीम का टोटल अच्छा है, आई होप हम अच्छी बॉलिंग करके जो है इसको डिफेंड कर लेंगे। सर क्या कहते हैं, मुझे यही लगता है कि हम मैच हार जाएंगे। क्यों, 41 रन हो गए और शॉट है जी, छक्का नहीं है सर, भागे सर, भागे सर, शॉट लगा के जा रहे सर, शॉट लगा के सर, बाबा ने बताया। लास्ट बॉल है जी और शॉट लगाई है और मिस फील्ड हुई है और सर पहुंच जाए और सर आउट हो जाएंगे सर आउट हो जाएंगे सर, आपकी अच्छी रनिंग हो गई है सर, आपकी अच्छी रनिंग हुई है।
सर जो है वो फाइनली अपनी बैटिंग करके आ चुके हैं और रन आउट हो गए लास्ट बॉल पे। सर कितनी गेंदें खेली आपने? बाद सर के हिस्से में टोटल दो बॉलें आई हैं। ठीक है जी, 47 बनाना है दूसरी टीम ने और कैप्टन साहब हमारे काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बॉलिंग में हमारे हालात आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी ज़्यादा ख़राब है। 19 रन हो चुका है और अभी तक पहला ओवर नहीं कम्प्लीट हुआ। लेट्स सी जी ये स्कोर हम डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। हमारा जो है वो आई थिंक 23 स्कोर था या 21 था। दूसरी टीम ने जो है वो 19 रन बनाए पहले ओवर में और जो हमारे अभी बॉलर हैं वो किसी विकेट जो है वो ले सकें। शाबाश हाफिज साहब, विकेट लेनी है, वाइड बॉल। और लगता है ऐसे है जी कि ये मैच जो है ये आपके भाई को ही जो है वो बचाना पड़ेगा। सो अगर तो बचा देते हैं कुछ स्कोर हमारे लिए तो अगला ओवर हम भी डाल देंगे। बॉल हुई है इस ओवर की अभी तक और आई थिंक आउट हो गया। इतनी आसानी से जो है वो आउट नहीं मानने वाले दूसरे भाई, वो कह रहे हैं मेरी चपली के साथ लगी है बॉल। 5 बॉलें और 28 रन हो चुके हैं, इसके बाद मेरा ओवर है। आई होप कार साहब कुछ रन छोड़ के आए सो ताकि इज्जत रह जाए हमारी भी। और बॉल कर दिया हाफिज साहब ने यहाँ पर और चलते हैं जी और ओवर कराते हैं। तो जी मैच जारी है अभी और 2 ओवर में 19 रन चाहिए। अब देखते हैं पहली बॉल सर ने करवाई है। ओ बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। LBW आउट था, आउट था। आला बॉलिंग सर जी, आला बॉलिंग। दस बॉलों पे 17 रन चाहिए। बहुत आला बॉलिंग सर जी। अंपायर कह रहे हैं इसको आउट करें, इसके बाद मैंने जाना। आला बॉलिंग सर जी, आला बॉलिंग। बाहर आउट दे दे, आउट दे दे, दे दे। अब देखते क्या करते हैं। ओ उमदा बॉलिंग सर जी, उमदा बॉलिंग। 3 गेंदों पे जो है वो 6 रन रह गया। लेट्स सी जी हाफिज साहब क्या करते हैं अब। और हम मैच हार चुके। बुलंदो वाला छक्का यहाँ पर लगा। वेल प्लेड भाई, जबरदस्त, शाबाश, गुड बैटिंग। ये भाई जो है इन्होंने बहुत बुलंदो वाला छक्के मारे। हाफिज साहब भी हो चले भाई साहब आपको भी मारे। ये दूसरी टीम के कैप्टन थे तो इनको भी मारे को। सो जी मैच हम हार चुके हैं। अच्छी एफर्ट थी हमारी बट दूसरी टीम जो है उसको थोड़ा सा होम एडवांटेज था यहाँ पर और होम एडवांटेज की वजह से वो जीत गए। सो चलते हैं जी अब हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। सर से मैंने पूछा था कि हमने तकरीबन कितना सफ़र किया तो सर कहने लगे कि हमने जो है वो तकरीबन 4.5 किलोमीटर का सफ़र नीचे की तरफ तय किया है। तो अब जब हमारी हाइक स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो हमारे लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। बट चलते हैं जी। पानी का नाला हम देखने आए थे लेकिन इतना कोई ख़ास पानी नहीं था। बट ये है कि मैच हमने खेल लिया टीम के साथ और काफ़ी यहाँ पर हमारी इंजॉयमेंट हो गई है। लेकिन अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इस दुआ के साथ हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे कि हमें कोई रास्ते में गाड़ी मिल जाए जिसकी वजह से हम आसानी से घर पहुँच जाएँ। तो जी यहीं पर इस पंजाब और KPK की सरहद पर अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं और अब दोबारा से जो है वो वापसी का सफ़र हम बांधेंगे और इतनी हिम्मत नहीं है कि जाने का भी जो है वो व्लॉग उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो जी यहीं पर अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी हों खुश रहें और आई होप कि ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आई होगी। सो यहाँ पर इस KPK और पंजाब की सरहद पर इस व्लॉग को जो है वो हम एंड करते हैं। सो आई होप जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।